नमस्कार, मैं हूं बेबी कुमारी और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत खेरा प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता एटक नेता कॉमरेड सूर्य मोहन रावत ने किया। धरने को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला सचिव कॉमरेड शंभु शरण सिंह ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी किसानों की स्थिति दयनीय है। आज पूरे देश के किसान दिल्ली मार्च कर रहे हैं और वह मांग कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर किसानों के खाद्यान्न को पूंजीपतियों के हाथों में बेचने वाला 3 कृषि बिल के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान आज संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो किसान विरोधी बिल पारित हुआ है उसे तत्काल सरकार वापस ले और हर एक पंचायत में धान क्रय केंद्र खोलने की गारंटी की जाए। वही मौके पर उपस्थित सीपीआई नेता गजाधर रजक ने कहा कि 68 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक खदान व्यापार को 2-4 अपने चहेते कॉर्पोरेट के हाथों में सौंप कर खेत खलिहान को गिरवी रखने का यह घिनौना पर्यंत रच रहे हैं। मौके पर उपस्थित भाकपा माले के वरिष्ठ नेता कॉमरेड वासुदेव राय ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को 200 दिनों की काम की गारंटी कर और गरीब विरोधी 4 श्रम कोड कानून को वापस ले सरकार। धरने में उपस्थित जयप्रकाश रावत, प्रवीण पांडे, सुभाष सिंह, सिकंदर सिंह, सुरेश मांझी, विसुंदेव तांति, सरदार मोदी, सुबोध साह, रामचरित्र सिंह, लखन यादव, धानु साह सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। जमुई से विजय कुमार की रिपोर्ट। जो 3 जन विरोधी कृषि कानून बिल पास किया गया है उसके खिलाफ आज हम उनके समर्थन में हरेक प्रखंड मुख्यालय पर उपस्थित हैं और सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो कृषि बिल पारित किए हैं उसे तत्काल वापस लें और बिहार के अंदर जो धान खरीदारी का जो सवाल है सरकार के द्वारा जो 1868 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदारी की वादा कर रहे हैं लेकिन पंचायत प्रखंड के किसी भी पंचायत में एक भी धान क्रय केंद्र नहीं खोला गया है और इस धरने के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि हर एक पंचायत में धान क्रय केंद्र खोला जाए और नहीं तो आने वाले दिन में इस सवाल को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा प्रखंड मुख्यालय पर। बाबू साहब, छात्र नेता।